प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर करें। मैं आपका प्यारा मित्र रंजीत बोल रहा हूँ। आइए आपको इंडिया और न्यूजीलैंड का फर्स्ट T20 मैच का आंखों देखा हाल बता रहा हूँ। लखनऊ में 239 गेंदों में नहीं लगा कोई छक्का, टूटा 2 साल का पुराना रिकॉर्ड, भारत 6 विकेटों से जीता। इंडिया और न्यूजीलैंड सेकेंड T20 मैच का आंखों देखा हाल आपको बताने जा रहा हूँ। न्यूजीलैंड की ओर से मैच में सबसे बड़ी साझेदारी 21 रन का एलन और निकवे के बीच हुई। वह भारत की ओर से सबसे बड़ी साझेदारी सूर्य कुमार और हार्दिक के बीच हुई। दोनों ने 30 रन का नाबाद साझेदारी निभाई और इस मैचों में दोनों टीम बल्लेबाजी में कोई छक्का नहीं जड़ सका। भारत ने दूसरे T20 मैच में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 8 विकेट का 99 रन बनाए थे। यह कीवी टीम भारत के खिलाफ T20 मैच में सबसे कम स्कोर था। जवाब में टीम इंडिया ने एक गेंद शेष रहते हुए 4 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। सूर्य कुमार यादव पारी 20वें ओवर की 5वीं गेंद में चौका लगाकर मैच जीत लिया। इस 7-3 मैचों के T20 सीरीज में फिलहाल 1-1 से बराबर हो गए। निर्णायक मुकाबला 1 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। सूर्य कुमार बने प्लेयर ऑफ द मैच। न्यूजीलैंड की ओर से कप्तान मिचेल सेंटर ने सबसे ज़्यादा नवाद 19 रन बनाए, वही माइकल ब्रिसेस और मार्क चैप्टर ने 14-14 रन की पारी खेली। फिल एलन और डेवलप कॉनवेर ने 11-11 रन बनाए। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने सबसे ज़्यादा 2 विकेट लिए, वही भारत की ओर से सूर्य कुमार यादव सबसे ज़्यादा रन नवाद 26 रन बनाए, वही ईशान किशन 19 रन की पारी खेली। कप्तान हार्दिक पांड्या 15 रन बनाकर नवाद रहे। न्यूजीलैंड की ओर से ब्रेसवेल और सोरी 1-1 विकेट मिला। सूर्य कुमार को उसकी पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। न्यूजीलैंड में नहीं लगा कोई न्यूजीलैंड की ओर से मैच में सबसे साझेदारी 21 रन का एलन कॉनवेर के बीच हुई। वह भारत की ओर से सबसे बड़ी साझेदारी सूर्य कुमार बीच हुई। दोनों ने 30 रन की नाबाद साझेदारी निभाई। इस मैच में दोनों टीमों की बल्लेबाजी में कोई छक्का नहीं लगा, यानी मैच कोई छक्का नहीं लगा सका। बिना छक्का लगाए दोनों पारियों मिलाकर कुल 239 गेंद फेंकी गई। अंतर्राष्ट्रीय T20 यह सबसे ज़्यादा है। इससे पहले बांग्लादेश और न्यूजीलैंड भी 221 में मीरपुर में बिना छक्के के 238 गेंद फेंकी गई थी। दोनों पारों में बिना छक्के लगाए गए गेंदों वाले मैच 239 भारत और न्यूजीलैंड लखनऊ जगह लखनऊ साल 2023, 238 बांग्लादेश और न्यूजीलैंड जगह मीरपुर 2021, 223 गेंद टीम इंडिया पाकिस्तान और इंग्लैंड जगह कॉनबिट 2020, 207 गेंद श्रीलंका और इंडिया कोलंबो 2021। स्पिनरों ने डाले 30 ओवर। इस मैच में दोनों टीमों को मिलाकर स्पिनरों के कुल 30 ओवर फेंके गए। भारत की ओर से स्पिन 13 ओवर और न्यूजीलैंड की ओर से स्पिनर से 17 ओवर फेंके गए। यही किसी एक T20 मैचों में स्पिनरों के द्वारा फेंके गए सबसे ज़्यादा ओवर में। इससे पहले यह रिकॉर्ड बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान का था 2012 में मीरपुर में रहते हुए। उस मैच के दोनों पारियों को मिलाकर 28 ओवर स्पिनर द्वारा डाले गए। न्यूजीलैंड के स्पिनर 17 ओवर फेंके। यह किसी एक टीम के स्पिनरों द्वारा T20 मैच के फेंके गए तीसरे सबसे ज़्यादा ओवर है। इसका रिकॉर्ड जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के नाम है। जवाब जिम्बाब्वे वेस्टइंडीज के खिलाफ पोर्ट स्पोर्ट 2010 और पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया खिलाफ 2012 में कोलंबो में 18-18 ओवर का स्पिनर डाला। भारत के स्पिनर ने बढ़ पाया कहर। इससे पहले भारतीय स्पिनर ने आगे न्यूजीलैंड के बल्लेबाजी बेबस नजर आए। स्पिनर के कुल 4 विकेट के लिए भारत के विकेट के खाता भी स्पिनर यजुर्वेंद्र चहल ने खोला। फिर एलन ने कुलिन विक्र को बोल्ड किया। एलन ने 11 रन बना। इसके बाद में वैसे टैंक सुंदर डेवलप कॉन्वर्ट ने ईशान किशन को हाथों कैच कराया। यह
भी 11 रन बना सके। पार्ट टाइम में स्पिनर दीपक हुड्डा ने ग्लेन स्पिन को 5 रन पर आउट कर चलता किया न्यूजीलैंड का तीसरा झटका। इसके बाद कुलदीप यादव टेरेल मिचेल को क्लीन बोल्ड कर दिए। मिचेल 8 रन बना सके। मार्क चैपमैन कुलदीप रन ने ज़्यादा रन नहीं बना सका। वह 21 गेंदों में 14 रन बना सके। वही माइकल बिस्वेन कप्तान हार्दिक पांड्या ने हर्षदीप सिंह के हाथों कैच कराए। वह 14 रन बना सके। इसके बाद 18वें ओवर हर्षदीप एक ओवर के 2 विकेट झटके। उन्होंने ईशोढ़ी हार्दिक के हाथ कराया, फिर फंगस के सुंदर के हाथों में कैच करा दिया। सोरी ने 1 रन को फंगस की खाता भी नहीं खोल सका। कप्तान मिचेलसन और सैंडर ने 19 रनों को जबकि 6 रनों के नाबाद रहे। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने सबसे ज़्यादा 2 विकेट लिए। वहीं चहल कुलदीप हुड्डा सुंदर पिचाई और हार्दिक एक एक विकेट लिए। भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही। 100 रन का लक्ष्य पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। 17 रन के स्कोर पर शुभम गिल के रूप में भारत को पहला झटका लगा। वही 9वें गेंद में 11 रन बना सके बाद ईशान किशन रन आउट हो गए। उन्होंने गिलन फिश को रन आउट किया। ईशान किशन 32 गेंदों में 19 रन ही बना पाए। राहुल त्रिपाठी कुछ खास नहीं कर सके। 18 गेंदों में 13 रन ही बना पाए। इस सोरी के गेंद पर फिलिप्स को आउट कैच थमा बैठे। वाशिंगटन सुंदर ने टिकनर को रन आउट किया। वही 10 रन बना सके। इसके बाद सूर्य कुमार हार्दिक ने टीम इंडिया की जीत दिलाई। आखिरी मैच रोमांच की स्थिति। आखिरी ओवर में भारत को 6 रन चाहिए। टिकनर के ओवर में पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने 1 रन लिया। उसके बाद दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार रन कोई रन नहीं। तीसरी गेंद पर टिकनर सूर्य कुमार के यहाँ का कैच ड्रॉप करा दिया। इस पर सूर्य कुमार ने 1 रन लिया। चौथी गेंद पर हार्दिक ने 1 रन लिया। इसके गेंद पर एलन के पास सीधे थ्रो पर हार्दिक रन आउट करने का मौका था लेकिन वह निशाना चूक गया। 5वीं गेंद में सूर्य कुमार ने चौका लगाकर टीम इंडिया को जीत की बधाई दी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा T20 मैच जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सिटी में खेला गया जो कि बेहद ही रोमांचक रहा। उस मैच में बहुत कुछ देखने को मिला जिसमें कि मैच देखने के लिए और मैच के सुजित सुंदर और सुखद बनाने के लिए हमारे तेज तर्रार सबसे चहेते आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री आए और इस मैच का अपनी चनन कमलों से शुरुआत किया। इस मैच में जब टॉस जीतकर न्यूजीलैंड की टीम ने गेंदबाजी करने का फैसला लिया तो हमारे स्पिनर या शॉर्ट गेंदबाजों की बदौलत टीम न्यूजीलैंड खासा कुछ कर नहीं सकी और वह महज 8 विकेट में 20 ओवर पर 99 रन बना ही पाई। उसके बाद जवाब में टीम इंडिया ने अपनी जवाब पारी खेली लेकिन उससे भी आसान ये जीत नहीं मिली और कीवी की टीम या कहे न्यूजीलैंड की टीम ने उसे खूब पसीने छुड़ाए और अंत में जाके 19वें ओवर के 5 गेंद में सूर्य कुमार यादव ने चौथा चौका से टीम इंडिया को जीत दिलाई। इसी के साथ हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। आगे ही आज 1 फरवरी को लगभग मैच का रोमांच स्थिति होने जा रहा है जो कि तीसरा और आखिरी T20 मैच है। इसमें करो या मरो का फैसला होगा। इसमें बहुत ही शानदार मैच देखने को मिलेगा और इसी तरह जानकारी आप लोगों को आगे हम इसी चैनल के माध्यम से देते रहूँगा। आपका प्यारा मित्र आपका चहेता दोस्त रंजीत इसी तरह आपकी सेवा में लगातार बना रहेगा। धन्यवाद। आपका प्यार और दुलार इसी तरह बना रहेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को बटन दबाएं। मैं आपको ऐसे ही वीडियो और ऐसे समाचार आपके बारे में लाता रहूँगा। नमस्कार। धन्यवाद।
सबा खैर।